तो दोस्तों कैसे हो? तो स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे मातेल मैकेनिक चैनल में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं मेस्ट्रो एज का फुल इंजन। तो वीडियो एंड तक देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, ये है हीरो मेस्ट्रो एज का इंजन। मैं उसका फुल फिटिंग इंजन का वीडियो बनाने वाला हूँ। तो फ्रेंड देख सकते हो, सबसे पहले उसका जो क्रैंकेस सील आता है उसको चेंज करना पड़ता है। आप देख सकते हो, यह है क्रैंकेस का सील बोलते हैं उसको। तो गाइस, मैंने ये सील निकाल दिया है। आप देख सकते हो, ये मैं नया डाल रहा हूँ सील। ये पायनियर कंपनी का सील है। तो गाइस, ये सील लगाना खास ज़रूरी है, क्योंकि ये सील आप नहीं चेंज करोगे तो उसका वो लीक हो सकता है। तो गाइस, सारी क्वालिटी का सील उसमें डालना चाहिए। आप देख सकते हो, जिसके पायोनियर का सील मैंने डाल दिया है, क्योंकि ये उसका सील है जो अंदर की साइड लगता है, और ये है उसकी क्रैंक। ये मैंने कनेक्टिंग रॉड नवा डाल दिया है, उसके बेयरिंग भी नए डाल दिए। आप देख सकते हैं, सारी क्रैंक मैंने थ्रू करवा दी है। आप देख सकते हो, ये कनेक्टिंग में जरा से प्ले होना चाहिए उसके बेयर। तो गाइस, मैं ये दूसरा सील चेंज कर रहा हूँ। आप देख सकते हो, तो सबसे पहले इसमें जो लॉक आता है, क्लिप बोलते हैं उसको, तो क्लिप को मैं बाहर निकालता हूँ। आप देख सकते हो, ये क्लिप मैंने बाहर निकाल दी है। और ये सील है जो गाड़ी में जो बेल्ट लगता है उसी तरफ, उसी विभाग में सील आता है। और ये सील को भी चेंज करना चाहिए, कि अगर आपने ये सील चेंज नहीं किया तो आपका बेल्ट की साइड वही लीकेज हो सकता है, इसलिए इस सील को चेंज करना चाहिए। तो गाइस, देख सकते हो, ये सील मैंने निकाल दिया है। आप देख सकते हो, तो मैं ये सील हीरो जेन्युइन का ऑयल सील लगा रहा हूँ। आप देख सकते हो, ये है हीरो जेन्युइन कंपनी का ऑयल सील है। ये सील सारी क्वालिटी का लगाना चाहिए। आप देख सकते हो, तो ये सील मैं लगा रहा हूँ, क्योंकि क्रैंक के ऊपर ये सील आता है, इसीलिए उसे सारी क्वालिटी का सील लगाना चाहिए। तो सील मैंने लगा दिया है, और सील लगा के बाद उसके पीछे जो लॉक आता है, सरक्लिप बोलते हैं, वो लॉक भी लगा देना चाहिए। तो सबसे पहले ये लॉक में लगा देता हूँ, उसकी जगह में अच्छी तरह फिट कर देना चाहिए, क्योंकि सील बाहर ना आ जाए। तो गाइस, एक सरक्लिप मैंने फिट कर दी है। आप देख सकते हो, ये हीरो मेस्ट्रो एज का इंजन है। उसका फुल फिटिंग इंजन का वीडियो में बनाने वाला हो तो सारा इंजन की जानकारी आपको मिलेगी, इसलिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो गाइस, अब मैं स्टार्ट करता हूँ क्रैंक लगाने को। तो इसमें क्रैंक फिट करता हूँ। आप देख सकते हो, सील भी मैंने लगा दिया है। ये है इसकी क्रैंक है। तो क्रैंक को इस तरह बिठाना चाहिए। तो ये क्रैंक मैंने बिठा दी है। और गाइस, क्रैंक को लगाते समय इस तरह घुमाना चाहिए। उसके बेयरिंग तो मैंने नवी डलवा दी है, और कनेक्टिंग भी नवा डलवा दिया है। सारी क्रैंक मैंने बैलेंस करवा दी है, क्योंकि कोई साउंड ना आए इसलिए क्रैंक को बैलेंस करना ज़रूरी है। और थोड़ा सा सॉल्यूशन ट्यूब भी मैं लगा देता हूँ, क्योंकि वो लीक ना हो।
इसलिए सॉल्यूशन ट्यूब लगाना ज़रूरी है, क्योंकि ये क्रैंकेस वाला भाग है, ऑयल लीक होता तो आपको पूरा इंजन फिर से खोलना पड़ता है। इसलिए उस ट्यूब को सही तरह लगा देना चाहिए, क्योंकि ऑयल लीक ना हो। तो गाइस, सारे इंजन की जानकारी के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। आपको इसका पार्ट वन पार्ट टू दो ही वीडियो में अपलोड करने वाला हो। तो ये है उसका पैकिंग, तो इसका मैं पैकिंग लगाता हूँ। तो गाइस, मैंने ये पैकिंग लगा दिया है, आप देख सकते हो ये पैकिंग मैंने लगा दिया है। पैकिंग लगाने का यही तरीका है कि क्योंकि उसकी जो क्रैंकेस आता है उसमें ऑयल लीक ना हो। आप देख सकते हो मैं सॉल्यूशन लगा रहा हूँ। सॉल्यूशन को अच्छी तरह लगाना चाहिए गाइस, क्योंकि ये बार बार इंजन खोलना नहीं पड़ता, इसलिए ट्यूब लगानी ज़रूरी है। तो गाइस, सॉल्यूशन ट्यूब लगाना मत भूलना। तो मैं सॉल्यूशन ट्यूब लगा देता हूँ। तो गाइस, सॉल्यूशन तो मैंने लगा दिया है, तो अब मैं वो क्रैंकेस वाला पंखा फिट कर रहा हूँ। तो गाइस, देख सकते हो अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। उसका क्रैंकेस वाला भाग इस तरह फिट कर देना चाहिए। आप देख सकते हो मैं कैसे फिट करता हूँ। उसमें इस तरह बिठा देना चाहिए। तो गाइस, ये मैंने फिट कर दिया है उसका क्रैंकेस वाला पंखा। तो गाइस, आप देख सकते हो ये सबसे लंबे वाला बोल्ट उसके नीचे आता है, उसको खास मत भूलना। और ये सारे 10 mm का जो बोल्ट आता है वो लगा देना चाहिए। तो ये बोल्ट में लगा देता हूँ, तब तक आप देख लीजिए। तो गाइस, बोल्ट मैंने लगा दिया है। अब जैसे मैं उनका टिप आना लेकर सारा बोल्ट में फिट कर देता हूँ। सारे बोल्ट को फिट कर देना चाहिए, एक भी बोल्ट लूज ना हो। अगर फ्रेंड एक ही बोल्ट लूज हो रह गया तो आपकी गाड़ी में ऑयल लीक हो सकता है, इसलिए सारे बोल्ट फिट कर देना चाहिए। तो गाइस, ये पूरा बोल्ट मैंने फिट कर दिया है, आप देख सकते हो इसमें क्रैंक फिट हो गई है। तो इस तरह इस गाड़ी में क्रैंक को फिट करता है। और ये है जो स्टड नीचे आते हैं, और मैंने भी फिट कर दिया है। तो गाइस, ये है हीरो मेस्ट्रो का इंजन। क्रैंक को फिट करने का सही तरीका यही है। तो इस तरह क्रैंक को फिट कीजिए, और पूरा बोल्ट लूज ना रहे इस तरह उसको बोल्ट भी फिट कर देना चाहिए। तो गाइस, आप देख सकते हो ये मैंने क्रैंक बिठा दिए है, और ये है उसका स्टैंड। तो मैं स्टैंड भी लगा देता हूँ, क्योंकि पूरा इंजन उस पर स्टैंड पर खड़े हो सके। तो फैन देख सकते हो, ये मैं स्टैंड भी लगा रहा हूँ, और उसका क्रैंक मैंने फिट कर दिया है। तो ये है फ्रेंड पार्ट वन वीडियो, क्रैंक मैंने बिठा दी है। और दूसरा पार्ट टू वीडियो मैं अपलोड करूँगा। तो फ्रेंड, पूरी जानकारी लेने के लिए आप मेरा वीडियो पूरा अंत तक देखना है, और दूसरा वीडियो मैं अपलोड करने वाला। तो ये स्टैंड की पिन मैंने डाल दी है, और स्टैंड मैंने लगा दिया है। तो गाइस, ये था क्रैंक लगाने का सही तरीका।